हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और ये है आनंद। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों क्या है दोस्तों, आज हम आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आए हैं जिसको जानने के बाद आपके होश जल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमें पता चलेगी कि आखिरकार जो गन है वो कैसे काम करती है, जो गोली है वो कैसे चलती है। डिस्काउंट करके मारते हैं, अंगूठे से गोली से दबा देते हैं और सामने वाले की मौत हो जाती है। तो आज हम जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों होता है, कैसे काम करती है गोली, कैसे बनती है ट्रिगर दबाया और खेल खत्म। तो वही जानेंगे कि कैसे हो जाती है भाई ये सारी चीजें, ऐसे तगड़ी टेक्नोलॉजी कैसे बना दी लोगों ने, है ना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं ये जानकारी। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो लेके आए सबसे पहले वो आप तक पहुँचकर आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा और फेसबुक पे भी अपनी रिकमेंडेशन मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, सीधे चलते हैं हम लोग YouTube पे जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगी। चलिए सर्च कर लेते हैं YouTube पे, आगे यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हाउ गन वर्क्स। तो ये सबसे टॉप पे जो वीडियो आ रही है, बंदूक कैसे काम करती है, हाउ गन वर्क्स इन हिंदी। तो दोस्तों ये आप देखो कि भाई साहब 2 साल पहले ये वीडियो डाली थी, 83 मिलियन व्यूज है। इसके मतलब कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गर्लफ्रेंड, इस यूट्यूब चैनल से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, 1 2 3 गो। अलग अलग तरह की बंदूकों का अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, पर सभी बंदूकें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं। फुली ऑटोमेटिक बंदूकों से अलग, जो कि लगातार फायर कर सकती हैं, सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती हैं। यह एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स और पिस्तौलें कैसे काम करती हैं। यह एक कारतूस या कार्ट्रिज है। इसे मैगजीन में लोड किया जाता है, जिसमें स्प्रिंग और फॉलोअर इस पर दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस मैगजीन को बंदूक में रखा जाता है। यहाँ पर बंदूक के अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट्स दिखाए गए हैं। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीजें एक साथ होती हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आता है। यह हैमर स्ट्रट के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है और इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह सियर है। यह हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तब सियर लीफ स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ एंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तब रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर सियर के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। इस प्रक्रिया को कॉकलिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे आता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह एक कारतूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिति में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है।
पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है, सीयर डिस्कनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके कारण यह हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में यह फायरिंग पिन, जो कि स्लाइडर में फिक्स्ड होती है, से जा टकराता है। बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करती है। प्राइमर में इंपैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसके कारण कारतूस में रखे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस पैदा होती हैं। और इस प्रकार बुलेट के पीछे की जगह बेहद हाई प्रेशर गैसों से भर जाती है, इसलिए बुलेट पर पीछे से बल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गति के साथ बैरल से बाहर निकलती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और अब यह बुलेट पर कोई बल नहीं लगाती है और बुलेट अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ती जाती है। बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं, जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। यह गैसें बंदूक पर भी समान और विपरीत बल लगाती हैं, पर चूंकि बंदूक काफी भारी होती है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन बुलेट के मुकाबले काफी कम होता है और इसलिए यह पीछे की तरफ ज्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाती। विस्फोट की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तेमाल हो जाती है। केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ स्लाइडर हैमर को पीछे धकेलता है और बंदूक को अपने आप रिलोड भी कर देता है और अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाने पर सीधे सीयर पर धक्का नहीं लगता है, सीयर डिस्कनेक्टर की मदद से धकेला जाता है। जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है, तो इस पर बने स्लॉट की मदद से यह डिस्कनेक्टर को नीचे की तरफ खिसका देता है। अब ट्रिगर और सीयर अलग हो गए हैं और इसलिए ट्रिगर दबे होने पर भी सीयर हैमर के साथ एंगेज हो सकता है। जब ट्रिगर छोड़ दिया जाता है, तब डिस्कनेक्टर लीफ स्प्रिंग के दबाव के कारण स्लाइडर के स्लॉट में चला जाता है और अब बंदूक फिर से फायर की जा सकती है। ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है। जब बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है, तभी ट्रिगर डिस्कनेक्टर के जरिए सीयर को मूव कर सकता है। कितनी जल्दी खत्म हो गई पता ही नहीं चला। देखते देखते इतनी तेजी से वीडियो खत्म हो गई, तेजी से हम लोग इतना लीन हो गए थे वीडियो के अंदर, देखते पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गई। हाँ, और हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीज बताई गई है, कैसे बैरल काम करता है, कैसे ट्रिगर काम करता है, स्प्रिंग कैसे काम करती है, रिलोड कैसे होती है। और जब हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं तो ऐसे फायर करके लोग ऐसे फूंक मारते हैं तो धुएं को फूंक मारते थे, अब पता चला कि वो धुआं सारा निकलता कहाँ से है। जब ट्रिगर चलता है उसके खोखे पे आके वो पिन लगती है और उसके अंदर बारूद होता है तो आग लग जाती है, ठीक है, और बहुत सारा प्रेशर बन जाता है। प्रेशर की वजह से गोली आगे बढ़ती है, गोली आगे बढ़ती है एकदम धुएं की तरह बहुत ही स्पीड में, और वो जो आग होती है उसका धुआं होता है जो गोली से निकलता है, जो ऐसे फिल्म दिखाते हैं ऐसे करते हैं वो स्टाइल, वो मतलब अब पता चला क्या चीज़ होती है। बाकी बहुत ही खतरनाक चीज है यार ये तो, जानलेवा चीज है। हाँ।
है ना, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखते कि मैं तो परेशान होते हैं, बनाने वाले ने बनाई कैसे होगी ये कल, अगर बनाई जितने भी दिमाग लगाया होगा बनाने के लिए, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इंजीनियरिंग गर्लफ्रेंड के यूट्यूब चैनल से हमने देखा है और यूट्यूब चैनल का नाम भी बहुत तगड़ा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो कमेंट्स में मुझे बताइए, शेयर कीजिए जिससे ज़्यादातर लोगों को पता चले, कॉन्सेप्ट पता चले, साइंस का महत्व पता चले, है ना। बाकी आज चल बस इतना ही, और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ बरकरार रखिए और मैं यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिसकी मैं जैसी और बेटर वीडियो देखें और आप सब शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धमाकेदार तब तक के लिए बाय 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 बाय।